कि लोग रह सकें और भूखे नहीं रहें। इसी के लिए तो ये कर दिया गया कि आपदा प्रबंधन का जो हम लोगों का पहले से 2007 से जो काम हम लोगों ने किया है उसी के मुताबिक आपदा राहत केंद्र हम लोग चलाएं, उसको आपदा राहत केंद्र मान करके कर रहे हैं। और इसलिए इनको इसके लिए अलग से फंड भी उपलब्ध करा दिया गया है 100 करोड़ रुपया CM रिलीफ फंड से। जो भी ज़रूरत होगा उसके आगे हम लोग और करेंगे, ये थोड़ी है कि वही लिमिटेशन दे दिया गया है। जैसा भी काम करेंगे उसके लिए जो भी आवश्यकता होगी और प्रबंध किया जाएगा। तो ये तो बात हुई। दूसरी बात ये है कि जो हम लोगों के बिहार में जो एक ऑलरेडी सबको मालूम है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, केंद्र में तो MPLAD कहलाता है लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना है, और जिसके अंतर्गत सारे MLA और MLC को अपने क्षेत्र और अपने निर्धारित एरिया में 1 वर्ष में 3 करोड़ रुपए तक का वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं और उस पर काम होता है। इसमें जो आपका छोटी छोटी योजनाएं, हाँ छोटी छोटी योजनाएं होती हैं और ये काम योजना एवं विकास विभाग के माध्यम से किया जाता है। तो क्षेत्र विकास योजना जो है उसमें हर MLA और हर MLC को लगभग 3 करोड़ रुपए का अब बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए तक पहुंचाया गया। तो एक कुछ करना चाहिए कि उसके अंतर्गत भी उसका हम लोगों को एक हिस्सा, यह है रिलीफ फंड है, CM रिलीफ फंड, वो दिया गया है हर MLA और MLC को 3-3 करोड़ रुपए का। और उसके अलावे भी कुछ चीज़ें हैं जो डायरेक्टली योजना विकास विभाग भी, कहीं कोई ज़रूरत होता अति आवश्यक जो संबद्ध विभाग के द्वारा तुरंत नहीं हो सकता है, कोई खास परिस्थिति में, खास करके आपदा जैसी स्थिति में, तो वो भी किया जाता है। लेकिन हर MLA और MLC को रिकमेंड करने का 1 साल के अंदर 3 करोड़ रुपए तक का है। तो और जो कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति हुई है कि हम लोगों को बहुत सारा हेल्थ डिपार्टमेंट को इसके ट्रीटमेंट के लिए इंतजाम करना है, तो हम लोगों ने तो अधिकार दे दिया है, जो प्रधान सचिव स्वास्थ्य हैं उनको अधिकार दे दिया गया है कि जो कुछ भी चीज़ उनको परचेज करना है इसके लिए वो अधिकृत है, जो भी रेट हो जिस तरह से भी हो अपना वो करें, उसके लिए देर नहीं करना है, इमीडिएटली वो भी पावर हम लोगों ने दिया है। लेकिन जो एक बात है कि इतने तरह की चीज़ें हैं कि हर तरह का इनको प्रोक्योरमेंट करना है लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, दवा से लेकर के अन्य सभी चीज़ें जो हम लोग देख रहे हैं, मास्क की बात कभी करते हैं, सैनिटाइजर की बात करते हैं, या और भी बड़े बड़े इक्विपमेंट उनके ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल हॉस्पिटल्स में जो भी करना, वेंटिलेटर जो बहुत बड़ा चीज़ है, और वेंटिलेटर के लिए तो हम लोगों ने शुरू में ही जब इसके लिए लॉकडाउन नहीं किया गया था तभी हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया था 13 तारीख को ही कि कम से कम जो बिहार में सभी अस्पतालों को मिला करके जो ICU की व्यवस्था है जिसमें वेंटिलेटर है, तो इस काम के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित लोग हैं इनके लिए कम से कम 100 हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएं वेंटिलेटर के लिए। और सबसे पहले राज्य सरकार की तरफ से इन लोगों ने वेंटिलेटर के खरीद के लिए अपना भेज दिया। ये सब काम तो हुआ लेकिन अभी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वो एक अलग विषय है। लेकिन बहुत सारा चीज़ है, अब जो काम कर रहे हैं, कोई पीड़ित है उसके लिए मास्क चाहिए, तो मास्क के लिए तो अभी व्यवस्था की गई है कि लोग जो मास्क पहनेंगे उसके लिए इन लोगों ने जीविका समूह के माध्यम से करना शुरू किया है। और सैनिटाइजर की दिक्कत है तो वो भी 2 जगह पर से, हाजीपुर और आरा में, ये काम भी इन लोगों ने करना शुरू किया सैनिटाइजर। लेकिन एक तो अलग विषय, लेकिन डॉक्टर्स को जो चाहिए मास्क वो तो और दूसरे तरह का चाहिए, और मास्क के अलावे उनके पास और कुछ उनको चाहिए, हाँ, तो वो सब चीज़ को हर तरह, कई तरह का उनको इस मामले में चाहिए सुविधा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट को इन सब कामों के लिए, कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता, तो राज्य सरकार अपने संसाधनों से, बजट से जो देती है वो तो देती रहती है। हेल्थ डिपार्टमेंट का जो अपना इनका बजट, इनको अधिकार है
अभी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है कोरोना वायरस से निपटने का, वो तो इनको अधिकार है। लेकिन मेरी समझ में एक काम और हो जाना चाहिए, जो मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना और उसके अंतर्गत जो हर MLA और MLC को 3 करोड़ रुपए तक का एक वर्ष का अधिकार दिया गया है, तो मुझको ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत हर MLA और MLC के लिए न्यूनतम, माने जो उनको 3 करोड़ रुपए का एक साल में प्रावधान किया गया, 50 लाख रुपया, जो मुझको लगता है उसमें से 50 लाख रुपया सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र किया जाए। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में इस बात को विशेष तौर पर शामिल करके कि अब ये कोई क्षेत्र विशेष और एरिया विशेष के लिए उनका नहीं, बल्कि ये होना है कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उसके लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता है तो सीधे हेल्थ डिपार्टमेंट को चला जाए। और इसके लिए हेल्थ डिपार्टमेंट में एक अलग अकाउंट बन जाना चाहिए, जैसे पहले से हम लोगों ने किया हुआ कालाजार के लिए, जो पहले से किए हुए कि जो कालाजार के पीड़ित होते हैं उनको हर पीड़ित को 6,600 रुपये उनको दे दिया जाता है। वो जैसे उनको दवा मिलती है उनको लाया जाता है सरकार की तरफ से, उनको घर पहुंचाया जाता है और उनको 6,600 रुपये दे दिया जाता है ताकि 2 महीने तक उनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, वो आराम करें। जो गरीब गुरबा तबके के लोग होते हैं, ये हम लोगों ने कई साल पहले किया, तो उसके लिए एक अलग फंड दे दिया गया CM रिलीफ फंड से, और वो स्वास्थ्य विभाग में उसके लिए अलग इन लोगों ने अकाउंट रखा। तो उसी तरह से इस काम के लिए कोरोना अकाउंट या जो भी नाम इसका आप नामकरण कर लीजिए, कोरोना ट्रीटमेंट अकाउंट जो भी नाम रखिए, तो उसको लेकर के एक अलग फंड क्रिएट कर दीजिए और यहाँ से इमीडिएट इनको ट्रांसफ़र होगा, इसलिए इनको कोई भी ज़रूरत है संसाधन की तो इनके पास रहेगा।